मेरे साथ है एमडी सर, अनिल सर और 28 अप्रैल बैच के स्टूडेंट। एक बार जोरदार ताली की शुरुआत करेंगे। आज कोई क्लास नहीं है, राइट? नहीं सर। क्लास कल सुबह 8 बजे से है? नहीं सर। 7 बजे से यहाँ पे कौन कौन होगा? यस सर। सर 8 बजे से 7 बजे बुलाने का क्या मतलब? क्योंकि यही तो सीखने का तरीका है। हम वो सारी चीजें जो क्लास करने के बाद शुरू करेंगे वो आधे घंटे पहले शुरू करके खत्म कर देंगे। हेलो। अब मुझे बताइए, यहाँ से मुबारक बिल्डिंग सीखने आए हैं उससे कुछ और? कुछ और। हेलो। आपके पास मैंने दो विजन आपको दिए, एक दुकानदारों का काम करना और एक टीचर बनना। मुझे बताओ ये दोनों विजन कौन कौन कंप्लीट करेगा? बेटा मुझे पूरा टाइम दोगे उसके लिए? पक्का? मुझे बताइए, कल हम शुरुआत करेंगे, आपसे मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास होगी, तो सुबह हम कल रिकॉलिंग करेंगे। पहली रिकॉलिंग हम इमेंसी की करेंगे। हेलो। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार नहीं, टोटल पांच, पांच बार इमेंसी रिबॉल कौन कौन करेगा कल सुबह तक? yes, क्लास आने से पहले परफेक्ट yes, तरीके से फिर से हाथ करेगा। yes, आप करेंगे? yes, उसी के बाद मेरी क्लास में आना। हेलो। yes, जब आप पांच बार इमेंसी को परफेक्ट तरीके से रिबॉल करेंगे, अलग अलग इमेंसी को अलग अलग स्टेंसिल से, फिर मेरी क्लास में आने के बाद आप कंपोनेंट का काम करेंगे। मैं आपको रजिस्टर और कैपेसिटर, ये दो कंपोनेंट आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाऊंगा किस तरह से वर्किंग होती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मुझे बताइए क्या आपने इस तरह के कंपोनेंट पहले कभी देखे थे क्या? आज तक जितने भी आपका वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काम आया क्या? जल्दी बताओ। सिर्फ इतना बेसिक आप कैपेसिटर नहीं फाउंड कर पाए। हेलो। तो आप इसमें समझते हैं कि हमें वाकई में सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम सीख के सिर्फ टेक्निशियन नहीं, हम टीचर भी बन सकते हैं। yes, अगर एक सही उद्देश्य हो और सही लोग जुड़ जाए और सही प्रैक्टिकल सही दिशा में इसका और सिस्टमैटिक काम हो तो काम परफेक्टली डन होता ही होता है। हेलो। आपको पता है, एक कल एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, मुझे याद दिला रहे थे, मेरी याद बहुत अच्छी है। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं एक न्यूज चैनल पे, एक मेले के बारे में बता रहे थे, पता नहीं कौन सा स्टेट से, उसमें मेला लगता है तो उसमें एक बाइक चलाते ना गोल 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 मौत का मंजर, मौत का कुआ वो चल रहा था, तो मैं देख रहा था वो, तो उसमें कार चला रहा था, कार से बाहर निकल रहा था, लोग उसको ऐसे नोट दे रहा था, वो नोट ले रहा था, तो उसका इंटरव्यू ले रहे थे, तो इंटरव्यू देख रहा था उसका। बोले भैया आप तो बहुत डेंजर काम करते हैं। बोले हाँ डेंजर काम तो है, रिस्क तो है। तो बोले कि आप ये कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? मैं तो 15 साल 40 साल से कर रहा हूँ, उसकी उम्र बहुत थी 60 साल की, तो 40 साल से कर रहा हूँ, तो मतलब ये काम फिर भी कैसे कर रहे हो? बोले शुरू में डर लगता था पर प्रैक्टिस करी तो डर खत्म हो गया। वो सारा रिकॉर्ड करना था मुझे कसम से, और वो आपको यहाँ दिखाना था कि जब एक अनपढ़ आदमी, हेलो, मौत के कुएं में ये शब्द कह रहा है कि मुझे इतने काम के लिए प्रैक्टिस करना था, तो हम तो पढ़े लिखे लोग नहीं बनाना है। अंडरस्टैंडिंग इतने लेवल की होनी चाहिए कि हम आगे जाकर इसको प्रोफेशनल बना सकें। हेलो। yes, मुझे बताइए, सिर्फ आईसी रिबॉलिंग या आईसी निकालना लगाना सीखने आए हैं या सर्किट भी सीखने आए हैं? विदाउट बोर्नियो? हेलो। या बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन पढ़ने आए हैं? विदाउट हार्डवेयर सॉल्यूशन काम करेंगे हम लोग? yes, हर प्रैक्टिकल के बाद, हर मेरी थ्योरी और प्रैक्टिकल के बाद आपको खुद प्रैक्टिकल करना होगा। हेलो। कौन कौन करेगा प्रैक्टिकल? हर आईसी के वोल्टेज हम बनाएंगे बैठकर। प्लस मुझे बताओ, डेली सीपीयू इमेंसी कौन कौन करेगा? डेली सीपीयू। अच्छा, दूसरे दिन हम रिबॉल करेंगे डुअल डेकर का सीपीयू। किसका? यूनिवर्सल से। किससे? रैम, सीपीयू और छोटे बड़े कौन कौन रिवॉल्व करके देगा मुझे जल्दी बताओ। सेकंड डे मॉर्निंग ड्यूअल डेकर सैमसंग का। अच्छा मेरी बात समझना, इस बार हमने तुम्हारी क्लास को एक अलग ही टेक्निक से पढ़ाने का सोचा है। ये हमने कल ही डिस्कस किया था बैठकर कि ये करते हैं इस बार एक्सपेरिमेंट।
हमारे लिए एक्सपेरिमेंट रहेगा, सक्सेस हुआ तो हम अगली बार से कंटिन्यू रखेंगे, नहीं हुआ तो हम बंद कर देंगे। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट हमें भी आपको भी करने हैं। हेलो सर, पढ़ाई में एक्सपेरिमेंट होना बहुत जरूरी है, एक तरीके से नहीं बढ़ना आगे, हर चीज में बदलाव होने बहुत जरूरी है। सो एक्सपेरिमेंट ये रहेगा कि हम लास्ट डे ड्यूअल डेकर करते थे, कब करते थे, लास्ट डे, आखिरी दिन हम ड्यूअल डेकर की क्लास रखते थे, उस दिन तो आज भी रखी होगी। आज आपको इधर देखो, कोई नहीं, मैं दिखाऊंगा, 20 तारीख को आपका जब आखिरी दिन होगा तो हम सब ड्यूअल डेकर, एक ड्यूअल डेकर लाइव हम बनाएंगे आपके सामने, आप ही का किस तरीके से उसको बनाएंगे, क्या रीडिंग से बनेगा, सारी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर आपको बनाने को देंगे, आप प्रैक्टिस करके करना। बट वो एक फेज था, अब हम सोच रहे हैं पांचवें दिन से डेली ड्यूअल डेकर करें। हेलो सर, हेलो कौन कौन करना चाहता है, देखो आपने आईसी सीपीयू भी नहीं निकाली हो मैं जानता हूं, पर हम अपने तरीके से करवाएंगे, क्योंकि अगर आपने रैम सीपीयू के ऊपर के जो अंडे वाले बॉल होते हैं, हेलो, उसको फिल करना सीख लिया, हेलो, आजकल तो आपको यहां से जाने के बाद वन टाइम में उसको बना सकते हो भी नहीं बना सकते, सीपीयू लगवाएंगे हम आपसे, सब करवाएंगे डेली, मतलब हैंड स्किल ऐसे टेलीकॉम आपको बताता हूँ, हमारी टीचिंग के लिए फेमस नहीं है, आज थ्योरी हर दुकानदार पढ़ा रहा है, हर इंस्टीट्यूट थ्योरी ऑनलाइन चल रही है, आज आप ऑनलाइन क्यों नहीं गए बताओ, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़े, एक रीजन बताओ, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़े, बताते हैं ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़े, एक रीजन बताओ, प्रैक्टिकल होते ही नहीं, वो उतना ही पढ़ाते हैं जितना पढ़ाना है, ऑनलाइन ऑनलाइन सेगमेंट एक ऐसा होता है, डिस्टेंस लर्निंग, एक बोलते ना दूर का रिलेशन से, हेलो पेरिवी का दूर से पास में है ही नहीं, ऑनलाइन कभी सक्सेस होता नहीं, ऑनलाइन केवल वो पढ़ सकता है जिसको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट हो, हेलो सक्सेस है, अगर आपका हैंड स्किल नहीं है आप कभी भी हार्डवेयर का काम ऑनलाइन सीख नहीं सकते, आप सॉफ्टवेयर का सीख सकते हैं क्योंकि वो देखने का काम है, हेलो फाइलों को समझने का काम है, आप स्कीमेटिक को भी समझ सकते हो, हेलो चलो लाइन ही समझ रहा है कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, पर अगर आपको उसके पहले आप तैयार नहीं हो, आपका लेवल क्लियर नहीं है, तो वो उसका कोई मतलब होगा क्या, होगा क्या, इसलिए आप यहाँ आए हो, इसलिए हमने बोला ऐसा टेलीकॉम अपनी हैंड स्किल के लिए बहुत फेमस है, हेलो आप सब लोगों का लाइव सीपीयू वीडियो डालेंगे, लाइव मतलब फेसबुक में आए आपको लाइव दिखाएंगे सीपीयू करते हुए, ये कौन कौन करवाना चाहेगा सर, तो आप यहाँ टीचर करते हैं इंस्टीट्यूट में, वो भी कहीं कहीं नहीं, आप समझ रहे, एक फोन आया टीचर ने बनाया लाइव दिखा दिया, वाह वाह ताली बजा दी, हम ताली बजा रहे हैं, सर मजा आ गया सर, आ लाओ भाई अगला फोन लाओ, हाँ देखो इसमें ये है, इसमें ये वीआईओ नहीं आ रहा, वीआईओ हटा देंगे, जंपर मारे, हाँ वाह सर वाह, तो क्या ऐसा देखने और ताली बजाने आए होंगे सर, वाह सर वाले को तो डेली वही काम कर रहा है अपने 5-10 सालों से, हेलो वो तो एक्सपर्ट है ना, वो तो कोई भी फोन को खोल कर एक्सप्लेन कर देगा बना देगा, पर क्या आपसे फोन रिपेयर देखने आए हो क्या, हेलो ये तो टीचिंग है ना, हेलो ये रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एशिया टेलीकॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, क्या है बताओ, ट्रेनिंग मतलब सर हमें ट्रेन करो, खुद मत बनाओ, हेलो ये चीज कौन कौन मानता है बताओ मैं से, चलो मैं जानना चाहूंगा 34 दिन लाइव पावर आईसी, लाइव पावर आईसी सुबह मॉर्निंग में कौन कौन करके जाएगा जल्दी बताओ, तीसरे दिन की जब शाम को, क्योंकि दोपहर में मैं आपको आईसी आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगा, बोर्डों की पहचान, आईसीयू की पहचान, आईसी काउंटिंग कैसे करना है, ये सारी चीजें उस दिन रात में हम फिर से पावर आईसी निकालेंगे एक चालू फोन का, है ना, पर उस समय हम डाटा सीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मतलब आईसी उतारेंगे, डाटा सीट बनाएंगे, अंदर के पैड लाइन तक जाएंगे, पैडों को गिनेंगे, फिर आईसी रखेंगे और फिर से सेट चालू करेंगे, ये कौन कौन करेगा मेरे साथ, हेलो तो हमें उस दिन हम डाटा सीट बनाना सीखेंगे प्लस पावर आईसी, तो हैंड स्किल तो पैदल चल ही रहा है, हेलो फिर चौथे दिन लाइव सीपीयू कौन कौन करेगा चलिए बताओ, सीपीयू डे है सब करेंगे, ठीक है, बी बैक की क्लास मैं पढ़ाऊंगा, ऑडियो डिस्प्ले ग्राफिक्स और लाइव इसमें आपको दुर्गेश सर ज्वाइन करेंगे, प्लास्टिक कंपोनेंट माइक्रो जंपरिंग ये आपको प्रैक्टिकल यूनिट चार्जिंग सेक्शन मैं आपके आगे पढ़ाऊंगा, माइक हेडफोन एलडीओ वाईफाई ये सब दुर्गेश सर आगे पढ़ाएंगे, नेटवर्क मैं आगे पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर दुर्गेश सर पढ़ाएंगे, डैड मैं आगे पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर फिर दुर्गेश सर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बीएमसी की क्लास होगी,
सो इमेंसी की क्लास में मिलन सर आएंगे, एक बार मिलन सर के जोरदार ताली दे दो भाई। एमएमसी प्रोग्रामिंग प्लस ब्लैक पेस्टेड 6 दिन लगातार चलेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात? एमएमसी प्लस यूएफएस, यूएफआई प्लस जेटेक, बोलो पर हम कंप्लीटली तरीके से यूएफआई को सीख के जाएंगे। हेलो, उसके बाद दूसरे बार फिर आएंगे ऐसा टेलीकॉम में 3 महीने के बाद। कौन कौन आएगा जल्दी बताओ? जेटेक की क्लास ले रहे हैं पक्का? कोई दुकान तो नहीं छूट रही? सर 100 बार छूटे हैं तो हेलो, क्योंकि 2 दिन की कमाई और यहाँ का सीखना ज्यादा है। हेलो, क्योंकि सर यहाँ पर जो सीखूंगा वहां पर ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा फोन हैंडल करूंगा, है ना? यस सर, ये लर्निंग है, ये तुम्हारा नाना नानी का घर होना चाहिए जहाँ तुम्हें हर महीने एक बार आना है। मैं बताओ, ये तुम्हारी ऑप्शन में, ये तो तुम एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ रहे हो जो तुमको 5G का अपडेट दे रहा है। हेलो, अच्छा 5G का अपडेट किस किस को मिल जाएगा 3 महीने के बाद जल्दी बताओ, है ना? S20 प्लस का सर्किट आज तक कोई नहीं सिखा रहा है इंस्टीट्यूट के अंदर, और आगे भी नहीं दे रहा है। कहने को बात है अपडेट में देंगे, अपडेट में देंगे, पर जब अपडेट में बच्चे आते हैं ना तो इसका इसका उसका सब इतना बिजनेसर हो जाता है कि वो वैसा अपडेट मिल ही नहीं पाता है। हेलो, सही टेक्निक ये है कि थ्योरी का अपडेट थ्योरी लेवल पे मिल जाना चाहिए। हेलो, तो अब जब आपको मेरी स्किल, मेरा सर्किट समझने का मैटर समझ में आ जाएगा, जब आईसी निकालना लगाना प्रॉपर 3 महीने में सॉलिड हो जाओगे, तो आपको अब उसको सर्किट की नीड होगी। किसकी नीड होगी? सर्किट की, जो आपको मेरा एप्लीकेशन भरता रहेगा। हेलो, जहां आपको पावर का सिक्वेंस हो, सीपीयू का सिक्वेंस हो, पूरा वीडियोग्राफी में आपको वहां पर मैंने डाला हुआ है, आपको जब मर्जी आप उसको देख सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? और प्रैक्टिकल के लिए आप वापस किसके पास आ सकते हो? ऐसा देखो, यहाँ कोई इंडिविजुअल टीचर नहीं है, डोंट कॉल मी देव सर, डोंट कॉल मी मिलन सर, यहाँ कोई टीचर नहीं, एक टीम वर्क है। हेलो, क्या है जल्दी बताओ? तो मैं जानना चाहूंगा उसके बाद एमएमसी ब्लैक, अच्छा ब्लैक पेस्टेड में जो हम आपको सिखाएंगे वो ओप्पो के, वीवो के एकदम क्रीम फोनों के अंदर 30 सेकंड के अंदर वाला मेथड बताएंगे। हेलो, आपका डर खत्म करेंगे। क्या करेंगे? एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3rd दिन में नहीं होगा, 4th दिन में होगा। हेलो, होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ कि यहां से पढ़ने के बाद बाकी में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये चीज का कॉन्फिडेंस किस किस के पास है जल्दी बताओ। और मैंने क्या कहा कि हम चिल्लाएंगे नहीं, हम टीम जो थी, जो हारी थी वो फिर जीत। यस सर, जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। यस सर।